हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई संडे स्पेशल वीडियो के साथ, जहां पर हम एक और तरीका सीखेंगे कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन आसानी से अर्न कर सकते हैं कम मेहनत किए। तो आप अगर जॉब करते हो, आप ये जॉब के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। आई थिंक आप में से ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ होगा जो थंबनेल पर दिख रहा है, अर्न अप टू $250 पर आर। तो लग रहा होगा ना कुछ को कि स्कैम है, झूठ है, बट डोंट वरी, आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी कैसे आप अर्न कर सकते हैं मनी, क्या करना होगा, डिटेल में सारा कुछ, एंड आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि आप जैसे काफ़ी लोग यहाँ पर बड़े ही आसानी से थोड़ा सा कम मेहनत किए इस काम को कर रहे हैं, प्लस अच्छी इनकम कर रहे हैं। मेहनत तो होती है, हर काम में होती है, बट 9 to 5 जॉब में ज़्यादा मेहनत होती है एज़ कम्पेयर टू दीज काइंड ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे अपने जॉब से, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कम है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब आप इन्जॉय कर पाएंगे इस चीज़ को। काम क्या रहेगा, आपको $250 तक पेमेंट मिल सकता है जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। आपने देखा होगा ना, आज के डेट में ऑडियो बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। मतलब लोग पढ़ने से ज़्यादा, बीच में डिजिटल बुक्स पॉपुलर हुई थी कि लोगों को PDF के फॉर्म में या ऑनलाइन पूरा नोवेल मिल जाती थी और वो पढ़ लेते थे, बट आज के डेट में जब से ये ऑडियो चला है तो लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद है, वो कहानी को या नोवेल को सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रीडिंग। क्योंकि आप भी जब छोटे होंगे तो आपको जब कोई कहानियाँ सुनाता था तो आपको मज़ा आता होगा, राइट? और कोई आपसे बोले कहानियाँ पढ़िए, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद होगा। तो इसलिए आज के डेट में ऑडियो बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, एंड इसी की हेल्प से लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका तरीका है वो है नरेटर का। जो आपका काम रहेगा वो नरेटर का रहेगा। नरेटर क्या करता है, आपको स्टोरी नरेट करता है, राइट? तो अब इसमें इतना सा बस आपको ध्यान रखना है कि कब आपका पिच हाई जाना है, कब आपका पिच लो जाना है, किस लाइन को, जिस लाइन में जैसा इमोशन है उस इमोशन के साथ आपको बोलना है। अगर वो एंग्री वाला इमोशन है तो आपको थोड़ा सा अपने आवाज़ में वो एंग्रीनेस लानी है। ये आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करते करते सब आ जाता है। तो कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने पर बड़े आसानी से आ जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आइए, हम आपको एक बुक देंगे, नोवेल देंगे, उसको आपको पढ़ना है, नरेट करना है, रिकॉर्ड करना है, एंड हमको सेंड करना है। ठीक है, तो हम डिटेल में समझते हैं कौन से वो वेबसाइट्स हैं। बट आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे AI टूल्स भी तो हैं, वो सारे लोग AI टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, वॉइस ओवर करने के लिए। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात समझो, वॉइस ओवर AI टूल्स से अच्छा होगा कि वो कोई ह्यूमन करे। ह्यूमन का वॉइस बेटर होता है किसी भी मशीन के वॉइस से। तो आज भी प्रेफरेंस ह्यूमन वॉइस को ही दी जा रही है, एंड इसलिए ये हायर कर रहे हैं ह्यूमंस को ही, ये कोई AI टूल का की हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो आपके लिए पहली जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिटेल में, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी, प्लस आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो के टाइम, आप देख सकते हो एंड लिख भी सकते हो। आप सिंपली गूगल करोगे, पहला लिंक ही आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, प्लीज़ इस चैनल को फैला दीजिए। क्योंकि इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है, आपकी हेल्प करना, राइट? क्योंकि सब यहाँ पर ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये एक पार्ट टाइम है, एंड सिर्फ हेल्प करना, सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करना कि हाँ, सिर्फ 9 to 5 जॉब ही नहीं है, आपके पास काफ़ी सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो आप कर सकते हैं। मेहनत हर चीज़ में लगेगी, बैठे बैठे कहीं नहीं मिलता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ा सा वीडियो को फैला दीजिए जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो, या जो भी इंटरेस्टेड हैं वॉइस ओवर करने में। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं वॉइस ओवर में, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, राइट? तो ये उनके लिए ही है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी।
हम चलते हैं पहली लिंक पर। तो ये है ऑडिबल। ऑडिबल जो है वो अमेज़ॉन वालों का ही है, वेबसाइट है, ACXP है। ऑडिबल में आप ऑडिबल के बारे में भी पढ़ सकते हो। क्या करता है ऑडिबल? वी आर चेंजिंग द नरेटिव ऑफ स्टोरी टेलिंग एज अ लीडिंग क्रिएटर एंड प्रोवाइडर ऑफ प्रीमियम ऑडियो स्टोरी टेलिंग। वी हैव रीडिफाइंड द वेज पीपल एक्सेस डिस्कवर एंड शेयर स्टोरीज। तो बहुत तरीके से आप यहाँ पर ऑथर की तरह भी कर सकते हैं काम, एज एन ऑथर, अगर आपको बुक राइट लिखने का शौक़ है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, नरेशन बहुत आसान होता है एक तरह से, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको एंड आप इजीली कर लेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ भी ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको, सॉरी सुन सकते हैं उनको, एंड देखिए कि वो कैसे नरेट करते हैं, वो किस तरह से स्टोरी को सुनाते हैं। अगर आपको ऑडिबल में करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वर्क विद अस में। आई थिंक ऑलरेडी हाँ, यहाँ पर ये सारी जॉब्स हैं, बट हमको किस पे क्लिक करना है? कॉन्टेंट एंड ऑडिबल स्टूडियो पे। अभी कॉन्टेंट एंड ऑडिबल स्टूडियो पे ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं कि इससे रिलेटेड जॉब्स। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो एक फॉर्म था, मैंने देखा था, कहाँ गया वो फॉर्म, ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, ये आपके पास फॉर्म है। अब इस फॉर्म को फिल कर देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आप अपना लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं, एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपको करना है तो आप चूज़ करेंगे कंटेंट एंड ऑडिबल स्टूडियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। फाइन, इतना सा काम यहाँ पर करना है। दूसरी जो वेबसाइट है वो है वो है फाइंड अवे वॉइसेस। तो फाइंड अवे वॉइसेस भी अमेज़ॉन ऑडिबल की तरह ही होता है, अमेज़ॉन ACX की तरह ही होता है। यहाँ पर जेन्युइन है कि नहीं है ये आप गूगल कर सकते हैं, एंड ये जेन्युइनली जेन्युइन है। मैं कैसे बताऊँ आपको, आप पहले इसके बारे में देख लो कैसे क्या करना है, इसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद मैं आपको सारे प्रूफ्स दूंगी कि लोग यहाँ पर कितना कितना ऑन एन एवरेज अर्न कर रहे हैं। प्लस आपको कोरा पर लोगों के रिव्यूज़ भी बताऊंगी, उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड अवे वॉइसेस में आपको पढ़ लेना है, पहले नरेशन का ही जॉब है, उसके बाद आपको ये बुक्स दे देंगे, आपको नॉर्मली क्या करना है, नरेट करना है, राइट। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर फ्री पर। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो वेट करते हैं। ओके, उसके बाद खुलेगा आपका फॉर्म। तो आपको सिंपली अपना फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अपना पासवर्ड सेट करना, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपका एक प्रोफाइल बनेगा जिसमें आपको एक सैम्पल या कुछ सैम्पल्स डालने पड़ेंगे। आपका कुछ भी, कोई भी स्टोरी ले लीजिएगा, छोटी सी या नॉर्मल सी, उसको नरेट करके आपको उसके सैम्पल्स डालने होंगे। बट मेक श्योर करना कि उसमें कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो। हेडफोन्स हैं, वेल एंड गुड, नॉइसलेस हेडफोन्स हैं तो उनका ही यूज़ करिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी आपकी। अगर प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई, फिर आप दूसरी ईमेल आईडी से बनाते रहेंगे, फिर चेक करते रहेंगे। तो कोशिश करना है कि एक बार में ही आप जो भी डालें वो बिल्कुल परफेक्ट हो, अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद आपको बनना क्या है, क्या किस लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऑथर और नरेटर, तो नरेटर में कर देना है। लीगल नोटिस, आपने क्या पढ़ लिए हैं सारी टर्म्स एंड पॉलिसीज, पढ़ लेना है एक बार क्लिक करके। टर्म्स एंड यूज पे, टर्म ऑफ यूज़ पे क्लिक करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इन बॉक्सेस को चेक कर देना, टिक कर देना। कॉन्टैक्ट परमिशन क्या होगी, आपका ईमेल, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए, हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अग्रीमेंट आएगा, एक खुल रहा है, ऑलमोस्ट खुल चुका है, तो आई एग्री कर दीजिएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एग्रीमेंट, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल चुकी है। उसके बाद आपका अकाउंट सेटिंग्स पे जाकर आपको जो भी सेटिंग्स अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने ऑलरेडी ध्यान से डाला है सारा कुछ, ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब आप यहाँ पर अपने रिव्यूज़ लिख सकते हैं या जो भी आपको टाइप करना है, अपना रिकॉर्ड करके लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपनी सैम्पल रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप इस माइक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आप उन सारे लोगों को देखेंगे जिनको जॉब्स की ज़रूरत है, राइट। आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब,
गुडनेस लॉरेंस, ये जो भी सबके नाम है, ये इन्होंने अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी बना रखी है। एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने सैम्पल वीडियोस भी डाल रखी है कुछ कुछ लोगों ने, जैसे इन्होंने डाल रखी है। बाकी ये देखिए ये सैम्पल वीडियोस हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल होम पर जाना है जहाँ पर आपने वीडियो बनाया था। वन सेकेंड, स्टार्टिंग से चलते हैं। तो आप आएंगे इस प्रोफाइल पर, माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, लॉन्च प्रोफाइल क्रिएटर एंड गेट स्टार्टेड। यहाँ पर लिखा है 5 मिनट्स, दैट्स ऑल इट विल टेक टू क्रिएट अ मीनिंगफुल प्रोफाइल दैट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल का कर लेना है सिलेक्शन। अभी क्वेश्चन तो यहाँ पर दिख, हाँ, फर्स्ट हाउ सून यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, कितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। नेक्स्ट, वॉट इज़ योर रेट, आप अपने रेट यहाँ पर खुद से सेट कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि आप कम से कम यहाँ पर रेट सेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं $50 बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ। अगर आप भी फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर 50 सेट कर सकते हैं। रेंज क्या हो सकती है, रेंज डालना है तो डालिए मिनिमम 50, बट कहाँ तक जा सकते हैं, 100 तक, राइट। नेगोशिएबल है, येस नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल वाला ऑप्शन ज़रूर रखना, क्योंकि जो भी ऑथर होगा वो कम ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है बार्गेनिंग तो सभी करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, व्हाट इज़ योर रेट इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोडक्शन थ्रू फाइंड अवे वॉइसिस। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, वन सेकेंड, दिस रेट विल नॉट बी शोन ऑन योर प्रोफाइल। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं, ओनली फाइंड अवे वॉइसिस के जो टीम मेंबर्स होंगे वो इस रेट को देख सकते हैं। विच इज़ एडेड टू फाइंड अवेज मार्कअप व्हेन प्रोड्यूस्ड थ्रू फाइंड अवे वॉइसिस, वी टेक सम ऑफ द वर्क ऑफ योर प्लेट सो यू कैन फोकस ऑन द प्रोडक्शन वाइल लीविंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस शेड्यूल रिमाइंडर्स पेमेंट गारंटीज एंड ईयर एंड टास्क। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा डाल देना, ये इनके लिए है, मतलब एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप $10 डाल दीजिए, ज़ीरो डल गया है, सॉरी 10 डाल सकते हैं। नेक्स्ट कर दिया, व्हाट इज़ योर जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट, लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ट्विटर यूआरएल है, जो भी यूआरएल आपका है आप वो डाल के नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ एंड आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पर अपना एक अच्छा सा नॉर्मल प्रोफेशनल पिक्चर भी डालना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद आपको एक प्रोफाइल वगैरह, इस दौरान जो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करने पर एक ऑडियो वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पर एक नॉर्मल सा वीडियो, अपना सैम्पल वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोरा में क्वेश्चन बोला था, मतलब सोचा कि मैं सर्च करके देखती हूँ। तो कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग कनेक्टेड रहते हैं एंड आपको एडवाइस अच्छी देते हैं, करेक्ट ही देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे। विच वेबसाइट इन इंडिया कैन वी वर्क एज एन ऑडियो बुक नरेटर, तो यहाँ पे देखिए ऑडिबल है जो कि अमेज़ॉन का है, ACX में भी आप रजिस्टर कर सकते हो जो कि अमेज़ॉन का ही है। तीसरा है LibriVox, फिर फाइंड अवे वॉइसिस जिसकी बात हमने की, और उसके बाद है अपवर्क। तो अपवर्क, फाइवर, ये कुछ ऐसी टॉप वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको बड़े आसानी से वॉइस ओवर मिल सकता है। बट आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना अच्छा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपवर्क की बात करें, अपवर्क आपको सिर्फ गूगल करना है ये नाम, उसके बाद आप आसानी से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अपवर्क में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, डेटा एंट्री जॉब्स भी मिल जाती हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बट आप इन पर फोकस करेंगे ना अगर कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर, तो यहाँ पर अर्निंग काफ़ी अच्छी है। क्योंकि डेटा एंट्री में भी आपको लिखना बहुत पड़ता है, टाइप बहुत करना पड़ता है, उसके कंपेरिजन में आपको कम पेमेंट मिलती है, उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। प्लस कंपटीशन वहाँ पर बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो इतनी आसान सी जॉब डेटा एंट्री कर सकते हैं। आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, नो आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। अब यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है। तो जब ये प्रोफाइल बन जाएगा आप गूगल से लॉग इन भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको ये डालना है कि मैं इंडिया से हूँ, येस आई अंडरस्टैंड एंड अग्री करके आपको क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपवर्क का प्रोफाइल बन जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अभी ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमारे अकाउंट पर, वहाँ पर जाकर ये देखिए आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। सो गेट स्टार्टेड, ठीक है। आई एम अ ब्रांड, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एन एक्सपर्ट, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ ब्रांड, राइट। तो अभी नेक्स्ट कर देना है। फिर देखिए क्या पूछ रहे हैं ये, गॉट इट, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, टू अर्न मनी, टू मेक मनी ऑन साइड, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब। आई डोंट हैव अ गोल, टू अर्न मनी माई मेन इनकम, ऐसा आप लिख सकते हैं, या दोनों पे भी क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से किसी पे भी। एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, कैसे करना है आपको काम। आई लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, डिफाइन योर सर्विस विद प्राइस एंड टाइम लाइन, वी लिस्ट, हाँ दैट इज मच बेटर। क्लाइंट्स पोस्ट जॉब ऑन द टेली टैलेंट मार्केट, दोनों कर दीजिए। नेक्स्ट, हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कहाँ से आप बताना चाहते हैं, जहाँ से भी बताना है ना, इम्पोर्ट करना है आपने अपना, अगर आप लिंक्डइन का कुछ लिंक वगैरह डालना चाहते हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, अपलोड कर सकते हैं रिज्यूम, या फिर 15 मिनट्स में आपको कुछ लिखना है या बोलना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, मैं किसी पे भी क्लिक कर देती हूँ। अपलोड योर सेव्ड लिंक्डइन पीडीएफ, करना क्या है, ओके आपको लिंक्डइन पे जाना है एंड वहाँ पर सेव टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। अपने प्रोफाइल में जाइएगा, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव टू पीडीएफ, जो वो पीडीएफ में सेव होगा आपके सिस्टम में आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से लिंक्डइन, जो भी पीडीएफ वाला लिंक्डइन है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अगर आपको कुछ इशू आता है आप बता दीजिएगा, 10 questions हैं अराउंड, तो वो आपको एक एक करके क्लियर आउट करने हैं, फिर आपका प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाएगा। एंड वहाँ पर तो आप सैम्पल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है ना इन वेबसाइट्स पर रजिस्टर करने में या प्रोफाइल बनाने में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी विल हेल्प यू, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपकी प्रोफाइल बनाने में, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ट्रस्ट मी आपकी हेल्प पूरा हम करेंगे, बट आपको कमेंट में हमको बताना पड़ेगा, राइट। इसके बाद देखिए, हाउ मच ऑडिबल पे टू नरेटर्स, नरेटर्स को ऑडिबल कितना पे करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप $10 से $100 तक अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप $100 to $500 तक अर्न कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बस आपको यहाँ पर टाइम देना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं संडे को वीडियोज़ लाती हूँ, यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना है। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे इन सब चीज़ों में, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। बस इतना सा डिफरेंस है एक नॉर्मल जॉब में और इन जॉब्स में, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर देना है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, मैं यही कहूँगी आपको। क्योंकि देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप उस चीज़ में घुस जाते हो, जब आप उस चीज़ को करने लगते हो, तो आपको मज़ा भी आता है, ईजी भी लगता है, प्लस जब पैसा आता है तो आप फिर उसको और अच्छे से करते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपकी हेल्प पूरी पूरी की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें। अगर आपको कुछ इश्यू आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका पेमेंट कैसे होगा, डॉलर्स में अगर कंपनी पे कर रही है तो आपको पेपाल के थ्रू पे करेगी। पेपाल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्लेलिस्ट में है, मेक मनी ऑनलाइन या अर्न मनी ऑनलाइन नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको दिया है कि प्रॉपरली के पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा उस वीडियो में मैं अपना हेडफोन लगाना भूल गई थी, और उसके बाद मेरा वर्क ऑफिस टाइमिंग था, तो इसलिए बिना हेडफोन के वो रिकॉर्ड हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा उसको। बट अगर आपको सुनने में कुछ इश्यू आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस पेपाल की वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर लीजिए या कुछ ऐसा, सो दैट वो डिलीट करके मैं दोबारा डाल दूँगी। बट देखिएगा ज़रूर, बिकॉज ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, एंड इतना डिटेल में अगर कोई बता रहा है तो कुछ तो काम होगा इसका, ठीक है। तो अप्लाई ज़रूर कर देना, अगर कुछ इश्यू आता है तो आप हमको बता सकते हो कमेंट सेक्शन में,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। यही है आज का जॉब, आज का स्पेशल वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट कल मंडे को एक नए जॉब अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।